मित्रों, साक्षी की जबरदस्त एक साधना का प्रयोग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। रहस्यपूर्ण है, आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चल रहे हो, आप बैठ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, रात सोने जा रहे हो, सुबह जग गए हो, काम कर रहे हो, कहीं भी। अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ आवाज़ें आएंगी इधर उधर से, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। आप ध्यान कर सकते हो, आपको कोई चीज़ भी डिस्टर्ब कर नहीं सकती। आप खुद ही मानते हो कि डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब होता नहीं। आप चल रहे हो, कोई कार आ रही है, तो क्या डिस्टर्ब आपको होगी? वो चलेगी अपने आप, कुछ साउंड देकर जाएगी, तो वो साउंड डिस्टर्ब कर नहीं सकता, आएगा निकलेगा। तो ये ध्यान की जो पद्धति होगी, इसमें आप चल रहे हो तो भी प्रयोग कर पाएंगे, सो रहे हो, बैठ रहे हो, तो इसमें करना क्या है? इसमें एक बात पर ध्यान रखना है कि मैं कौन हूँ, चल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, सो रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं हूँ और दूसरे को भी पता है कि मैं हूँ। ये बात आप देखें, आप चल रहे हो, ये बात आपको भी पता होगा कि आप चल रहे हो, और इधर उधर जो लोग होंगे उनको भी पता होगा कि आप चल रहे हो। तो उन लोगों ने जाना आपके बारे में कि आप चल रहे हो, ऐसे ही आपने भी जाना कि आप चल रहे हो। भीतर से आप भी जान रहे होते हो, तो आप चल रहे हो ये बात दूसरों ने जाना, तो वो है, वो आदमी है कोई, तो आपने भी जाना कि आपके भीतर कौन कोई चल रहा है, आप चल रहे हो, तो ये बात किसने जाना? तो इस पे फोकस करना। आपने कुछ आवाज़ सुना, आपको किसी ने सुना, तो उन्होंने जाना कि आप बोल रहे हो, और आप खुद भी जान रहे होते हो कि आप बोल रहे हो। तो जिसने आपको सुना वो है, तो फिर आप कौन हो जो आप अपने को जान रहे हो कि आप बोल रहे हो, या चल रहे हो, या सो रहे हो, या बैठ रहे हो? आप अभी सो रहे हो, तो आपके बारे में अभी भी बहुत सारे आदमी सोचेंगे। आपका परिवार का सदस्य होंगे जो आपको याद करेंगे, तो आपके बारे में वो जानेंगे कि आप है। तो ऐसे ही आप भी जान रहे होते हो कि आप हो, तो फिर आपके बारे में दूसरों ने जो जाना, तो वो दूसरे है, वो है, कोई पत्नी है, वो बेटा है, वो संबंधी है, वो मित्र है, तो फिर आप कौन हो जिसने जाना ये बात कि आप भी हो, आप हो, ये बात दूसरों ने जाना और ये बात आपने भी जाना कि आप हो, तो आप हो ये बात आपके भीतर किसने जाना, वो कौन है? तो उस केंद्र पे आपको रहना है जितना देर हो सके, उसमें छलांग मारनी है, और वो बिंदु तीसरा ही होगा, वो कुछ आपके शरीर और आपके मन से कुछ बाहर ही होगा, क्योंकि वो आपके शरीर को भी देखेगा, क्योंकि दूसरे लोग आपके शरीर पे को देखते हैं और वो भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही आप भी जानते हो ये आपका शरीर है, तो आप भी उस शरीर से अलग हो गए, जैसे दूसरे लोग आपसे अलग हो गए, ऐसे आप भी अपने शरीर से अलग हो गए, है ना? तो वो शरीर से भिन्नता का अनुभव होगा, आपको ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, एक शून्य आपको घेरेगा, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, किसी भी चीज़ पर आपका बंधन नहीं होगा, न शरीर पर, न मन पर, न विचार पर, किसी कष्ट पर, आप पूरे ही बाहर आ जाएंगे, तीसरे ही आदमी हो जाएंगे ना। आपके शरीर में कुछ पीड़ा होगा, तो ये बात भी ऐसे ही
पता चलेगी, जैसे दूसरे को पता चलता है कि आप बीमार हो, दूसरे जानते हैं तो आप भी जानेंगे कि आप बीमार हो। तो जैसे वो लोग आप बीमार से अलग हो गए, आप भी अपने बीमार से अलग हो गए, क्योंकि आपके भीतर भी जानने वाला है ना, बाहर का वो अलग कैसे हुए आपसे कि वो जानने वाले। ऐसे ही आप भी अपने को जानने वाले हैं तो आप अपने से अलग हो गए। तो ये जो अलगपन है ये साची है ना, वो तीसरा बिंदु है, वो आपको भी देखता है दूसरों को भी देखता है, वो थर्ड है ना। आप अपने मन और बुद्धि से देख रहे हो, वहाँ से आप बात कर रहे हो, वहाँ से आप सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल एक अलग आदमी हो, मन के घेरे पर हो। तो आपने उस पर ध्यान दिया कि जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो बैठ रहा है, जो सो रहा है, तो किसको पता हो रहा है कि आप सो रहे हो? तो कोई ऐसा एक तत्व है जिसको पता होता है ना, वही आप। और वो पता होने वाला, जिसको पता है, वो सब चीज़ें नहीं होगा जिसको पता होगा, जिसको वो जानेगा वो चीज़ वो नहीं होगा, तो भिन्नता हो जाएगी। तो ऐसे भिन्न एक शरीर और मन से पार की परम शून्यता की, ब्रह्मांड की, चैतन्य की एक ऐसी अनुभव होती है। तो इसी को बोलते हैं कि वो साक्षी की अवस्था है, तो उसकी साधना करनी है। तो आप ऐसे कहीं पर भी बैठे हो तो आँख बंद करके आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। तो इसमें कुछ गाइडेड तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेने के लिए कुछ मेरे पास 15 गाइडेड मेडिटेशन भी है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।